नील सर वेलकम टू मुंबई। थैंक यू। यहाँ पर कैसे आना हुआ? बस ये हमारे मंगल भाई हैं और मंगल भाई के साथ जो है एक इस होली पर कुछ सरप्राइज है हमारे व्यूवर्स के लिए। जी सर, तो सरप्राइज बहुत जल्दी मिलेगा, तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस पर और हर जहाँ। ओके थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू चाय बस्टर। चाय बस्टर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख ही चुके हैं ओपनिंग में ही कि मुंबई में किया गया हमारा भव्य स्वागत, तो अभी फिलहाल हम कोलकाता से निकल रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं मुंबई के लिए और ये हमने धरती को कह दिया है बाय बाय और अब हम करेंगे आसमान की सैर। हालांकि 1.5-2 घंटे तक तो ठीक है, लेकिन 2.5-3 घंटे हो जाने पर जहाज में भी काफी बोरियत फील होने लग जाती है, यानी हवाई जहाज में। और यहाँ न हवा नजर आती है न पूरा जहाज, और इतनी ऊंचाई पर भी एक ही चीज साथ निभाती है, वो है हमारी प्यारी चाय। इसमें मिलाते हैं दूध। हालांकि इस चाय में वो बात नहीं है, लेकिन अब प्यार तो प्यार है, क्या किया जा सकता है। न जूस देता है न विस्की देती है, जो आनंद 30,000 फीट की ऊंचाई पर चाय की चुस्की देती है। अभी हम जमशेदपुर के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये मैं देखकर नहीं पायलट की बात सुनकर बता रहा हूं। ये है हवाई जहाज और ये है पानी के जहाज, यानी कि हम किसी किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, भारत की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं हम। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। मुंबई अरब सागर के 7 द्वीपों का एक हिस्सा भी है, इसलिए इस शहर को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। सिर्फ गगनचुंबी इमारतों के लिए नहीं, बल्कि सिद्धि विनायक मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली की दरगाह जैसे कई पर्यटन स्थल पर्यटकों को यहाँ खींच लाते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ आने का कारण, मकसद, रीजन एक ही है, वो है हमारा काम। व्लॉग नहीं, शूट। जी हाँ, इस होली पर एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज आप तक हम पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम पहुंच रहे हैं मुंबई। पहुंच क्या रहे हैं? पहुंच चुके हैं, बस अब धरती पर पैर रखने की बारी है। मुंबई से हर बार मैं कोई ना कोई सुखद यादें लेकर लौटता हूं, लेकिन उतरते वक्त सिर्फ एक ही बात जहन में आती है, वो है 26/11 मुंबई टेरर अटैक, इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला। क्योंकि उस वक्त मैं मुंबई में ही था। कैफे लियोपार्ड में फैशन शो के बाद हम आफ्टर पार्टी एंजॉय कर रहे थे जिस वक्त ये हमला हुआ। कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए हम रो नंबर के अनुसार विमान से उतरेंगे। कृपया अपने सामने बैठे यात्रियों के निकास की ओर बढ़ने के बाद ही अपनी सीट से उठें। वेल, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स टू द एग्जिट डोर, बाहर जाने का रास्ता, जहां मंगल भाई कर रहे थे इंतजार। ब्लॉगर साहब MD, क्या मैं तो हाय कर दिया। सो हेलो, आप भी हाय कर दीजिए। तो देखिए, ये कहते हैं कि जब ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, और गधे से गधे मिले तो पड़े लात पे लात। तो यहाँ पर मैं अपने आप को भी गधा नहीं बोल रहा हूँ ना आपको, आप फंस क्यों रहे। तो बात ऐसी है कि ब्लॉगर से ब्लॉगर मिलती है तो अनोखी बातें होती है, और क्या क्या होती है ये हम आपको
बताने जा रहे हैं। नहीं आज नहीं दिखाएंगे, लेकिन हाँ देखने के लिए आपको जरूर मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो अभी मंगल भाई के साथ हैं और वी आर ऑन द वे टू होटल। और मुंबई हर बार एक नया अनुभव, एक नया एहसास, एक नया एक्सपीरियंस भी रहता है। तो मंगल भाई हमारे साथ हैं और चाय बस्तर में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। तो चलिए फिर कहीं पर रुक कर चाय पी जाएगी, उसके बाद जो है पोस्ट किया जाएगा रास्ते में। तो ये है सपनों की नगरी मुंबई, हर तरफ भागती दौड़ती जिंदगी से लैस, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ यातायात और उसके साधन। यहाँ की मेट्रो और लोकल ट्रेन्स को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि हम जितना समय बचाते हैं वो हमारे आगे काम आता है। और यहाँ के यातायात में पीली टैक्सी, ऑटो, ओला, उबर की बजाय मेट्रो रेल और ट्रेन आपको सबसे पहले अपने गंतव्य तक पहुँचाएंगे। फिलहाल हम पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन यानी होटल। तो फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं है, हालांकि फाइनल डेस्टिनेशन ये है चाय। और हमारे साथ चाय की काफ़ी इंतज़ार मंगल भाई। और मंगल भाई बोलने से क्या है कि कई बार समझ में नहीं आता लोगों को, हालांकि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उनको, तो व्लॉगर साहब MD ज़रूर याद रखिएगा। और आज जो चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, और व्लॉगर साहब MD का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो इस बार होली पर एक दीपावली जैसा धमाका देने जा रहे हैं। क्या है वो, उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ। अभी व्लॉग में हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब वक्त है काम करने का। आज हमारे साथ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि दो व्लॉगर एक साथ टकरा गए हैं, तो कभी व्लॉगर MD साहब और कभी चाय बस्टर, और उसके साथ एक सिंगर और हमारे साथ यानी कि अनुराग। और इसमें बातों ही बातों में बताना भूल गया कि एक सॉन्ग के लिए मैं यहाँ मुंबई पहुँचा हूँ, और उसकी भी जानकारी बहुत जल्दी दूंगा। लेकिन फिलहाल सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, इसके अलावा भी एक सरप्राइज है, और वो हम जो वेगा क्रिएशन की ओनर है यानी कि रिचा, उसे देने जा रहे हैं। आज रिचा का बर्थडे है और उसे देने जा रहे हैं उसके घर पर हम सरप्राइज। सो अभी हम लोग लिफ्ट में हैं और रिचा के हम अनुराग भी हैं, मंगल भाई भी हैं, और बस अब डोरबेल बजाएंगे, रिचा के घर में एंटर करेंगे। She doesn't know anything about this, और ये complete surprise होगा उसके लिए। Oh, cakes. Very wish you a very happy birthday. I can't hear you right now. I can't hear you. अब सरप्राइज देने के चक्कर में हम खुद शॉक्ड भी हैं और सरप्राइज भी। बिगेस्ट बोल के इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाला कल जो है वो हमेशा एक बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा अनुभव, एक बड़ा क्या कहते हैं तजुर्बा लेके आता है। और बस हमें अपने कल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रिचा वंस अगेन। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रिचा, हैप्पी बर्थडे टू यू। होली आज नहीं है, खिचाई उधर करिए जहाँ पे वैसा बहुत बढ़िया। देखो मेरे मेरे नाम के कलर का कप रिचा और दोस्ती है तगड़ी। क्या बात, नहीं नहीं मुझे डाउट नहीं। और राम पिला दे। हाँ हाँ बिल्कुल,
कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। कौन भेजेगा मेरे को कॉपीराइट क्लेम, मैं भी तो देखूं। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, चाय आके पिला जाए नीले नीले कप में जो चाय जब आए। तो ये चाय आप सभी के नाम। अच्छी चाय है, क्या बात है, मस्त चाय है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दिया जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। Happy birthday to you. Your reactions? अच्छा, thank you so much. ये केक इस दुनिया की कितनी बड़ी घटिया चीज है। इस बने रे, पहले बात तो सुनो, मतलब ये बहुत बढ़िया चीज है जिसको हम काट के खा लेते हैं, लेकिन ये कितनी घटिया चीज है कि बड़े बड़े सिंगर भी उसके लिए यहाँ पहुंच जाते केक के चक्कर में। बताओ बताओ, देखो अनुराग मौर्य क्यों के जुदा, म्यूजिकल छल, प्यार तेरा, और एक अपकमिंग वो नहीं बताएंगे। व्लॉगर साहब एमडी तो वो बन रहा है, वो उसमें बोलूंगा मैं, व्लॉगर साहब एमडी। चलो खिलाओ सबसे पहले संजू को। अगर आपके साथ आपका लक है तो आपको एक अच्छा दोस्त मिलता है, लेकिन अगर आपके साथ आपका गुड लक है तो आपको एक सच्चा दोस्त मिलता है। आज का ये व्लॉग उन सभी दोस्तों और उन सभी दोस्ती के नाम जो अपने मित्र, अपने फ्रेंड को कभी रुसवा या नाराज नहीं देखना चाहते। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रिचा। मुंबई डायरीज में एक और सरप्राइज कर रहा है आप सभी का इंतजार। अगर सासों ने दिया साथ तो फिर होगी आप सभी से मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।